हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल। कैसे आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। तो आज मैं फिर से दो प्रोडक्ट रिव्यू शेयर कर रही हूँ और जो है हेयर से रिलेटेड है गाइज, क्योंकि हेयर से रिलेटेड प्रॉब्लम्स आजकल इतनी हो गई है, सबको प्रॉब्लम्स हैं। चाहे आप ग्रे हेयर ले लो, ग्रे हेयर्स हैं, हेयर फॉल्स है, डैंड्रफ है, डैमेज हेयर है, रफनेस है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आजकल सबको अपने बालों में देखने को मिलती है गाइस। और प्रॉब्लम्स हैं क्योंकि पॉल्यूशन इतना है और हम इतनी दौड़ भाग लाइफ में अपनी केयर नहीं कर पाते हैं। तो इजीली सोल्यूशन है गाइस, कुछ प्रोडक्ट यूज़ करके हम अपने हेयर की केयर कर सकते हैं। तो देखते हैं आज मैं कौन से प्रोडक्ट आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो गाइज, आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ ये है रूप आयुर हेयर ऑयल, ये है रूप आयुर शैम्पू। यस गाइज, ये दो हेयर प्रोडक्ट्स हैं जो जिनका रिव्यू आपके साथ शेयर कर रही हूँ। मैंने इनको यूज़ किया हुआ है, देन मैं आपके साथ इसका रिव्यू शेयर कर रही हूँ। ये काफ़ी अच्छे प्रोडक्ट्स हैं, तो इनकी डिटेल्स देख लेते हैं। तो पहला है गाइज, ये है रूप आयुर का हेयर ऑयल फॉर ड्राई एंड डैमेज हेयर के लिए। इन्होंने स्पेशली करा हुआ है इसमें फॉर हेयर ग्रोथ स्ट्रेंथ, हेयर रूट्स, प्रिवेंट्स ब्रेकेज एंड यूथफुल स्कैल्प। ये 100% आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट है गाइज, और इसमें नेचुरल इंग्रेडिएंट्स इन्होंने मिक्स किए हुए हैं। और बात करें इसकी मैन्युफैक्चरिंग वगैरह, इन्होंने इसमें सब मेंशन किया हुआ है, आप देख सकते हैं इसमें इन्होंने सब मेंशन है। और बात करें इसके इंग्रेडिएंट्स की, तो ये 100 ml की बोतल है गाइज, और इन्होंने इसमें मिक्स किया हुआ है भृंगराज, आंवला, घृत कुमारी, ब्रह्मी, लेमन ग्रास, कलौंजी, मेथी, रड़ा, नीम, रीठा, परफ्यूम एंड तिल ऑयल। इसमें सारे जो इंग्रेडिएंट्स है गाइज सब आयुर्वेदिक हैं। इन्होंने इसमें सब बेनिफिट्स भी लिखे हुए हैं और डोजेस भी लिखी हुई है, विदन ए वीक 2 से 3 बार, आप 2 से 3 बार इसको वीक में यूज़ कर सकते हैं। तो इसकी जो इस तरह से क्यूट सी एक बोतल है, गोल्डन कलर की बोतल है। तो ये तो हो गई हेयर ऑयल। सेकंड है गाइज, ये है रूप आयुर का शैम्पू और ये है एंटी फॉल, एंटी हेयर फॉल एंड एंटी डैंड्रफ के लिए, फॉर फ्रीजी हेयर, हेयर फॉल, डैंड्रफ, स्मूथ एंड शाइनी हेयर। ये भी 100% आयुर्वेदिक है गाइज, और पीछे इन्होंने सब मैन्युफैक्चरिंग इन्होंने मेंशन की हुई है। और बात करें इसके इंग्रेडिएंट्स की, तो इसमें इन्होंने मिक्स किया हुआ है लेमन सत्वा, हनी, टी ट्री ऑयल, नीम ऑयल, भृंगराज, आंवला, शिकाकाई, गुड़हल, रीठा, ग्रीसलीन, नेचुरल फ्रेग्रेंस, कलर। और इसमें भी इन्होंने इसके बेनिफिट लिखे हुए हैं, और इसको भी आप विदन वीक में 2 से 3 टाइम आप यूज़ कर सकते हैं। तो गाइज़, मैं इनका डेमो आपके सामने दिखाऊंगी कि इनको किस तरह से यूज़ करना है। तो देखो गाइज, आपने इनके इंग्रेडिएंट्स वगैरह टोटल आयुर्वेद हैं गाइज, ये टोटल प्रोडक्ट आयुर्वेद है, आपको कोई भी हार्म केमिकल्स इनमें नहीं मिलेंगे। तो इसलिए भी ये बेस्ट है क्योंकि इनमें ये प्योर आयुर्वेदिक हैं। मैंने इनके इंग्रेडिएंट्स भी आपको दिखाए हैं, बिल्कुल प्योर हैं, बिल्कुल भी केमिकल नहीं है इनमें। तो गाइज, देखते हैं इनका डेमो कि इसको आपको किस तरह से यूज़ करना है। तो ये है हेयर ऑयल गाइस, ये इस तरह की बॉटल में है और इस तरह की इसमें सपोर्ट लिड भी दी गई है। आपको कुछ नहीं करना है, और इसकी जो स्मेल है वो फ्रेग्रेंस बिल्कुल आयुर्वेदिक ऑयल की तरह है, कोई हार्श स्मेल नहीं है, लेकिन बहुत अच्छी स्मेल है गाइस। आपको कुछ नहीं करना है, आपको बाउल में या अपने हैंड्स पर लेना है इसको, और देन आपको रूट्स पर इसको अप्लाई करना है, और देन आपको लेंथ पर इसको अप्लाई कर मसाज करनी है, देन आपको ओवरनाइट रखेंगे तो आपको रिजल्ट काफ़ी अच्छा मिलेगा। अगर आप ओवरनाइट नहीं रख सकते हैं तो 1 आवर तो इसको रखना ही है। और वैसे मैं जो यूज़ करती हूँ, मैं ओवरनाइट यूज़ करती हूँ, और देन
देन इसको शैम्पू के साथ में वॉश कर लेती हूँ, इसी शैम्पू के साथ वॉश करती हूँ। तो जो इसका रिजल्ट है वो इस कॉम्बो को साथ में यूज़ करने से मिलता है। आप हेयर वॉश कर लीजिए और देन आपके जो बाल हैं सॉफ्ट और शाइनी हो जाते हैं। मुझे ये प्रोडक्ट्स काफ़ी अच्छे लगे इसलिए मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। मैं इनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप वहाँ जाके इनकी साइट पर चेक कर सकते हैं। अगर इनके बारे में आपको कोई भी जानकारी चाहिए तो आप मुझे कमेंट डाउन कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल रही है तो कमेंट कीजिए और लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय।